हेलो दोस्तों, तुहाडा सब तो स्वागत है तुहाडे अपने चैनल मैथड़ा मैथ दे विच। अज अपने कोल हन मैथ दे क्वेश्चन, तो मैथ दे क्वेश्चन अपने कोल हन रेशो अते प्रोपरेशन दे। अज आपां इन्हां नूं हल करांगे। तो सब तो पहला अपने कोल क्वेश्चन अज दी क्लास लई है कि 12 लीटर ऑफ मिक्सचर हैज़ वाइन एंड वाटर इन द रेशो 2:3:8। तो दो चीज़ां ने इस दे विच, एक वाइन है एंड एक वाटर है, 2:3 दे विच है, ते सेकंड है 3:7 दे विच। हुण आपां नूं इन्हां दी रेशो बराबर करनी पऊगी। आपां पाउणा है वाटर, यानी कि वाइन दी रेशो आपां छेड़नी नहीं, वाइन दी रेशो आपां बराबर करांगे। तां 3 2 6 6, 3 3 9, ते 7 2 14। तां किन्ना वध गया? 5 वध गया। बस 5 यूनिटां दी वैल्यू आपां नूं पता करनी पऊगी। 9 ते 6 15, 15 यूनिटां दी वैल्यू है 12, 12 बटे 15। 5 यूनिटां दी वैल्यू पता करो, 5 3 15 ते 4 3 12, ते अपना आंसर 4 लीटर निकल के आ गया। नैक्सट क्वेश्चन करदे हां। तो नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल है कि 55 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क हैज़ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 7। इहदे विच मिल्क ते वाटर है 7:4 दे विच, सैकंड रेशो है 7:6। मतलब ये अपन मिल्क की तो बराबर दे दी उन्होंने, वाटर की अपना करनी है। वाटर की किन्नी बद रही है? 2 यूनिटा की वैल्यू आप पता करनी है। 2 यूनिटा की वैल्यू 7 4 11 11 यूनिटा की वैल्यू है 55। तो 2 की किन्नी होगी? तो 2 की होनी है 10, 5 2 10, तो 10 लीटर अपना आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन कर दें। नैक्सट क्वेश्चन है कि अ परसन हैज़ 2 सोल्यूशन ऑफ शुगर विद 30% एंड 50% कौन कंसनट्रेशन रिस्पेक्टिवली, इन वट रेशो शुड ही मिक्स 2 सोल्यूशन टू गैट 45% कंसनट्रेशन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये आप करा 50 रखा इधर, तो 30 रखा इधर, तो 45 एलीगेशन मैथड ना आप कर देंगे। 45 दे हो गए 15, तो इधर है कि 5, तो 5 तीए 3 5 15, तो 1 5 5, 3 1 की रेशो दे विच आऊगा। नैक्सट क्वेश्चन कर दें। थोड़ा जिहा उल्टा लिख लिया, 50 इधर लिखना सी अपने। नैक्सट क्वेश्चन कर दें। तो नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल है कि 49 लीटर ऑफ मिल्क हैज़ 80% मिल्क, अच्छा मिल्क एंड वाटर, 80% मिल्क है तो 20% वाटर है। हाउ मच वाटर वी एडड, किन्ना पानी उहदे विच पा देना चाहिए कि 70% जिहड़ा दुध बन जाए उसका। तो इस आप रेशो जो बना लीए, 4 2 8, तो 1 2 2, तो 4:1 दे विच मिल्क ते वाटर है ना, तो वह कहते भी की मिलाइए कि 70% दुध हो जाए तो 30% पानी हो जाए। तो रेशो बन जी 7:3 दी। तो रेशो बराबर करने के लिए आप 7:3 इतने रखा, अपन ने सिर्फ पानी पाना है जबकि दुध छेड़ना नहीं। तो दुध का आप की करांगे, दुध के रेशो आप बराबर कर लेंगे। रेशो बराबर करेंगे, 7 4 ना गुणा करेंगे, 7 6 28, तो 7 1 7, 4 3 28, 7 6 28, तो 4 3 12। हुण देखो कि कितना बढ़ गया, किन्नी यूनिटा बढ़ गईया? ये बढ़ गईया ने 5 यूनिटा, 7 5 12, 5 यूनिटा बढ़ गईया। 28 ते 7 किन्ने हो गए? 35, 35 यूनिटा की वैल्यू है 49, ते अपनी बढ़ गईया 5, 7 5 35, ते 7 7 49, 7 लीटर अपना आंसर आजूगा। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल पहले वर्ग का सवाल है,
6 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर 75% मिल्क, ये 75% मिल्क है तो 25% पानी है, तो 25 × 25 दिया 75, 3:1 की रेशो दे दुध तो पानी है। हाउ मच मिल्क शुड बी एड, इतने आप मिल्क ऐड करना ताकि मिक्सचर दे 90% प्योर दुध हो जाए, तो 9:1 की रेशो हो जाए, मतलब वाटर नहीं छेड़ना, इतने वाटर की जी अपन रेती की रेशो बराबर है, तो कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 3 × 1 = 4, 4 की वैल्यू, 4 यूनिटा की वैल्यू है 6 के बराबर, तो अपने कड़ी है 6 यूनिटा की वैल्यू, 2 × 4 तो 3 × 6, 2 × 1 = 2, 3 × 6 3 × 9 9 लीटर अपना आंसर आ जाऊगा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, तो यह सवाल थोड़े लिए होमवर्क है। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, नैक्सट क्वेश्चन है कि एक भांडा रिफाइन तेल नाल भरया होया है, 1/4 उहदे विच ऑयल है, 1/4 उस दे विच कढ लिया गया, 25% कढ लिया गया, इफ द प्रोसैस ऑफ द रिपीटड 4 टाइम एंड द 10 लीटर ऑफ द रिफाइन ऑयल इज लैफ्ट इन द वेजल, वट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द वैजल, वो भांडे की कैपेसिटी की है, 4 दे विच एक जे अपने कढ लिया, एक बटा चार कढ लिया जाता है, 25% कढ लिया जाता है, 75 दे विच अगर आप 25% कढ लीए तो 25 × 75 3:1 की रेशो दे विच रह जाता है। तो इस नूं 4 टाइम दोहराया गया, नहीं थोड़ी कदों गड़बड़ी है, देखते एक मिनट रुको, चार 1/4 एक कढ ली गई तो 3 रह गई, इस नूं 4 टाइम दोहराया जाता है, तो 4×4 16, 16×4 64, 64×2 56, 3×3 = 9, 9 ते 27, 27 × 81, तो 256/81 अपना आंसर आजूगा। तो 10 लीटर उहदे विच ऑलरेडी पिया, तां करके 2560 अपना आंसर ला देंगे। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है कि राधे श्याम बॉयट है काओ एंड बफलो फॉर हिज डायरी, वट ही थॉट ऑफ सेलिंग दैम ऑफ ड्यू टू सम अनफॉरसीन सरकमस्टेंसिस, इफ ही सेल द काओ 8% लॉस एंड बफलो 20% प्रॉफिट, ही विल हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, बट इफ ही सेल्स द काओ 8% एंड द बफलो 8% ही वुड लॉस ए रुपी 800 इन द बार्गेनिंग। हाउ मच डिड राधे श्याम पे फॉर द बफलो, तो पहला आप देखेंगे कि उसने 10% ते काओ एंड बफलो, 10% लॉस ते काओ, 20% प्रॉफिट ते अपना मज जी बेचती, तो उसनू कोई लाभ या हानि नहीं हुई, इसलिए आप जीरो लगा दी, तो इतने आ गया अपना 20 ते इतने आ गया अपना 10, ये मतलब उसने मज 20:10 दे रेशो विच खरीदी, आपां इहनू 200 ते 100 बना लैने रेशो करके, मतलब उन्हें कुल कितना खर्चा करे थीगा 300, 200 दी काओ लई सी ते 100 रुपए दी उसने बफलो लई सी, ठीक है,
ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਫ ਹੀ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕਾਓ ਏਟ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 5%। ਅਗਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਓ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ 5% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਚੀ 105 × 210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਓ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਬਫਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15% ਲੋਸ 'ਤੇ ਵੇਚਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਤੀ ਉਸਨੇ 85 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤਾਂ 5, 8 ਅਤੇ 1, 9 ਅਤੇ 295 ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ 300 ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ 295 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 800 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਅਤੇ 16×5 = 80 = 160। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਫਲੋ ਦੀ। ਵੀ ਬਫਲੋ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ? ਬਫਲੋ ਦੀ ਆਪਾਂ 100 ਮੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 16,000 ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਫਲੋ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 16×32 = 32,000 ਦੀ ਉਸਨੇ ਬਫਲੋ ਲਈ ਸੀ, ਕਾਓ ਲਈ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਓ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਵੈਜ਼ਲਸ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕੰਟੇਨ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 4:1 ਐਂਡ 9:11 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਦੇ ਆਰ ਮਿਕਸਡ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ 3:2। ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਕਸਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4, 1, 5, 9 ਅਤੇ 11 ਵੀ, ਅਤੇ 9 ਅਤੇ 11। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਅਤੇ 1 5 ਅਤੇ 11 ਅਤੇ 9 20। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ 5 ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 20 × 4 = 80 ਅਤੇ 20 × 1 = 20, 5 × 9 = 45 ਅਤੇ 11 × 5 = 55। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। 8×24 = 240 ਅਤੇ 20×3 = 60 ਅਤੇ 45×90 55×110 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜੂਗਾ 330 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜੂਗਾ 170 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਅਤੇ 33 17 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ।